मैं अभी रास्ते पे हूँ, तो मैं आप लोग को बता दे रही हूँ। मैं आप लोग को बता ही दे रही हूँ। आयुष, ये देखिए आयुष आ गया, पढ़कर आ गया। तुम्हारा छुट्टी हो गया जी? अभी छुट्टी हो गया कि तुम भाग कर आए स्कूल से? दीदी का पेट दुखा रहा था इसलिए आ गए। क्या? दीदी का पेट दुखा रहा था इसलिए आ गए। कौन दीदी का पेट दर्द कर रहा था? तुम आ गए? हेमलता दीदी का। जो मेरी बड़ी दीदी का बेटी है, छोटी हेमलता कुमारी, उसी का पेट दर्द कर रहा था, तो शायद सर लोग छुट्टी दे दिए तो ही साथ में आयुष आ गया है, नहीं तो इसका छुट्टी अभी तक नहीं हुआ था। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बता ही दे रही हूँ। ये देखिए, मैं अपने तालाब के किनारे आ गई हूँ। तो हम लोग का, हाँ चलो ना पोखरे में नहाना। तो हम लोग का दो तालाब है, एक इधर है दूसरा तालाब, पहला तालाब इधर है। तो हम लोग को इसमें से जो दूसरा तालाब है, ये वाला तालाब है, तो इसमें से हम लोग मछली निकालेंगे। इसमें से मछली निकाल कर और इस तालाब में डालेंगे। तो हम लोग मछली इसलिए निकालेंगे क्योंकि इसमें दूसरा बच्चा डाला जाएगा, जीरा इसमें डाला जाएगा, तो इसलिए हम लोग मछली मारने जा रहे हैं। तो अभी तो लोग इकट्ठे नहीं हुए हैं, लोगों को बोले हैं, जिनको पता नहीं किनको किनको बोले हैं, तो सब आएंगे मछली मारने, और इसमें से मछली निकाल कर और उस तालाब में डाला जाएगा। ये देखिए, नदी के किनारे ही जानवर सब चल रहे हैं, भैंस। हाँ, मछली मरा जाता बोझ ना बा। हाउ तालाब में से ना, हाई तालाब में से, उ तालाब में डलाई उहे से। हाँ, एमे दूसर बच्चा डलाई उहे मरा जाता। घाम में भैंस चरावतनी। ये देखिए, हमारे पति महाजाल लेकर आ गए हैं और लोगों को बोले हैं मछली मारने आने के लिए। लग रहा है कि ये भूखे हैं इसीलिए भुजा खा रहे हैं। हम भी भूखे हैं, सब कोई भूखे हैं, सुबह से हम लोग हैं, लेकिन महाजाल ही नहीं अभी था। जिनका महाजाल है तो कहीं काम पे चले गए थे दूसरा, तो इसलिए अभी महाजाल आया है। ये देखिए, अभी एक ही इकट्ठा हुए हैं, इनसे लग रहा है कि मछली ही चाह ही जाएगा, इसलिए सिर्फ यही इकट्ठा हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं कितना बॉडी बिल्डर है। चले गए। और हमारा पति भूखा था। ये ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप लोग अगर इस ब्लॉग को अगर कंटिन्यू देखते हैं तो बहुत ही मजा आने वाला है इसमें। आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। अभी इसमें शादी के लिए मछली मारा गया था, इसीलिए घट गया है, तो इसलिए हम लोग इसमें से मछली निकाल कर दूसरे तालाब में डाल देंगे और इसमें दूसरा मछली डालेंगे। हमारे पति कल जाएंगे तो जीरा लाएंगे, तो इसमें डाला जाएगा, और जो इसमें मछली है तो हम लोग दूसरे तालाब में डाल देंगे। तो मेरे ब्लॉग में आप लोग लास्ट तक बने रहिए। ये सब कोई रेडी हो चुका है मछली मारने के लिए, यहाँ से लेके वहाँ तक सब कोई रेडी हो चुके हैं मछली मारने के लिए। अब सब कोई जाल चला रहे हैं। तो मछली जाल से बाहर चली जा रही है। ये देखिए, हमारे पति काम चोर है, जीने के डर से सबसे ज्यादा काबू लगता है बाहर, इसको चोखना पड़ता है भिजने के डर से। कम होशियार हैं सब, किसी को अंदर घुसा है या अपने तन बाहर है। ऊपर कर भाई, गधन ऊपर छत के तरह मछली। ये देखिए, अरे बाप रे, कौन सी भारी बात है। कोमल कार हो खाली को छना जात रहो तब का माथे उस पकड़ के कर करी है इसने। जल रहा पोखरे में डाला सब पकड़ ले। हां पोखरे में ना ले जो वो बैठे लेना बा बोगा दी भैया, उतने ले जो छोटा हर जे यहां से
हाँ जो डाल मत कस के दबे हाँ ले तो ये तो खिलाओ दी तो लो पकड़ा ही है सर हाँ पकड़ा पकड़ा सर सर हाँ भाई दी ये बहुत बा ये बहुत सालाई देखिए दूसरा तालाब में हमारे पति डाल रहे हैं उनमें पाँच दिन बाद कार्य हाल बढ़ाता है थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा हिस्से में बांटकर मछली निकाल रहे हैं कहीं पे 10 मछली कहीं पे 5 मछली कहीं पे 4 मछली इधर देखिए अभी इधर अभी मछली को निकालना बाकी है लेकिन किनारे किनारे में आ चुकी है मछली इधर थोड़ा थोड़ा हिस्सा में बांट कर मछली को निकाल रहे हैं सब कोई तो फाइनली दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि अब मछली मार लिए हैं हम सब उधर देखिए तालाब के किनारे मछली मारकर अब जाल को धोकर पसार दिए हैं जो मछली मारे हुए हैं उन लोग को खिलाने के लिए मैं मछली ले जा रही हूँ लगभग 6-7 किलो सब मछली होगी बहुत बड़ा बाल्टी है इसी में हम लोग रखे हैं तो इतना मछली है तो इसको अब मैं ले जा रही हूँ घर पे बनाने के लिए तो शाम को सब कोई आएंगे खाने मछली आप लोग को भी इनवाइट कर रही हूँ आप लोग भी आइएगा खाने तो दोस्तों अभी मैं जा रही हूँ मछली को लेकर घर पे इसको बनाने में टाइम भी लगता है इसको बहुत मेहनत लगता है बनाने में तारने में खाना भी बनाना है इन सबको लिए इसीलिए अब हम लोग घर जा रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों मैं इतना ही कहकर मैं अपना ब्लॉग बंद करती हूँ अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तब तक के लिए बाय बाय।